हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर किचन ब्लॉग। तो आज मैं मॉर्निंग में सबसे पहले मेरी बेटी की स्कूल की बोतल को गर्म पानी से वॉश कर रही हूँ। ये स्ट्रॉ वाली बोतल को वॉश करना बहुत ज़रूरी है डेली। और फिर मैं उसके लिए दूध बना रही हूँ, वही हल्दी और इलायची डाल के। तो मैं अब टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं टिफ़िन में दे रही हूँ वर्मिसली सेमिया, कैरेट और कॉर्न डाल के। अगर थोड़े से वेजीज ऐड कर दिए तो हेल्दी भी हो जाता है, फिलिंग भी हो जाता है। और मिर्ची में देखिए मैंने एक ही स्लिट की है ताकि मैं इजीली निकाल सकूँ उसको कुकिंग के बाद। अदरवाइज उसके छोटे छोटे पीसेस किए तो वो दिखती भी नहीं है कहाँ पे हैं, और गलती से अगर मुंह में उसकी चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेमिया बनाने के लिए सबसे पहले तेल में मैंने पीनट्स डाले हैं, उसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। और फिर मैं सारी वेजीज डाल दूंगी जो मैंने कट करके रखी थी, और थोड़ा सा नमक डाल के उसको पकने दूंगी। नमक डालने से वो जल्दी से पक जाता है। अब मैं इसमें सेमिया डाल के उसे भी रोस्ट कर लूंगी अच्छे से। और फिर नमक और हल्दी मैंने ऐड किया है, और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें गर्म पानी, क्योंकि ठंडे पानी से वो सॉगी हो जाती है, चिपचिपी, इसलिए आप भी गर्म पानी ही डालिए। और मैं अब इसको कुक होने दूंगी 5 मिनट्स के लिए। तो हमारी सेमिया भी तैयार है, मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी टिफ़िन में भरने के पहले। और साथ ही में मैंने ये रील भी शूट कर ली थी। फिर हस्बैंड स्कूल में ड्रॉप करके आ गए थे तो मैंने चाय भी चढ़ा दी। तो अब मैं लग गई हूँ लंच और ब्रंच की तैयारी में। आज मैं बना रही हूँ लौकी के पराठे। लौकी एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो आधे के मैं पराठे बनाऊँगी और आधे का मैं हलवा बनाऊँगी। तो पराठा बनाने के लिए ग्रेटेड लौकी में मैंने पहले 2-3 चम्मच बेसन डाला है। फिर डालिए सौंफ, अजवाइन, जीरा, तिल और फ्लैक्स सीड। और हाँ, इसमें मैंने थोड़ी सी हिंग भी डाली थी स्टार्टिंग में। और फिर मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई मसाले, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर। अब इसमें आटा डाल के आपको अच्छे से गूंथ लेना है। और इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लौकी इतना ज़्यादा पानी छोड़ती है कि आपको ऊपर से ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कम क्वांटिटी में बनाना है तो आप लौकी के पानी को निचोड़ सकते हैं, और वो पानी आप ग्रेवी या किसी में यूज़ कर सकते हैं बाद में। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए, नहीं तो अदरवाइज़ आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। और इस आटे के बनने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अगर ये बाहर रहा तो ये और पानी छोड़ता है, तो फ्रिज में वो बराबर रहता है। तो मैं अब लौकी का हलवा बना रही हूँ। सबसे पहले मैं इसका पूरा पानी सुखा लूँगी हाई फ्लेम पे करके, और एक बार जब ये पानी पूरा सूख जाए तो मैं घी डालूँगी और उसको अच्छे से भून लूँगी घी में। अब मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी पराठे के साथ। तो मैंने टमाटर काट लिए हैं, फिर मैं उसमें डालूँगी मिर्ची, लहसुन और बहुत सारा हरा धनिया, नमक और जीरा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी चटनी है, आप भी कभी ट्राई कीजिए। पराठे में मैंने कम मिर्ची डाली है, इसलिए मैं चटनी स्पाइसी बना रही हूँ ताकि वो बैलेंस्ड आउट हो जाए। तो हमारी चटनी भी तैयार है। पराठे हो और मक्खन ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो चलिए मक्खन भी निकाल लेते हैं। तो मैं घर पे फ्रेश मक्खन ही निकालती हूँ हमेशा। तो मैं जो मलाई जमा करके रखती हूँ वो फ्रीज़र में रखती हूँ, इसलिए वो देखिए कैसे कड़क हो गई है। तो वही आपको ठंडी वाली मलाई मिक्सर में डालना है, और थोड़ा पानी डालना है और चला लेना है मिक्सर में। और बीच बीच में आप ओपन करके देख सकते हैं, जब वो सेपरेट हो जाता है पानी और मक्खन अलग, तो आपको समझ जाएगा मक्खन बन गया है। लाइट से काफ़ी फ्लैश आ रहा था इसलिए मैंने लाइट ऑफ कर दिया है। देखिए कितना अच्छा मक्खन तैयार है, एकदम बाज़ार जैसा। और घर का फ्रेश मक्खन एकदम अमेजिंग लगता है। और फिर मैंने पानी डाल के इसको थोड़ा धो लिया। और अगर आपको इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है तो आप इसको फ्रीज़र में स्टोर कीजिए। मीनवाइल मेरा लौकी का पानी पूरा सूख गया था, तो मैंने अब इसमें घी डाला है और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी घी से। और घी से भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी दूध, और दूध में हमें इसको अच्छे से पका लेना है इस हलवे को। फिर आप इसमें शुगर ऐड कर लीजिए और उसको ड्राई होने तक पका लीजिए, तो आपका हलवा तैयार है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, गाजर के हलवे जैसी ही प्रोसीजर है और टेस्ट में भी आउटस्टैंडिंग है।
और हाँ, मैंने इसमें इलायची भी डाली है। एक्चुअली मेरे पास इलायची पाउडर नहीं है, तो मैंने वो इलायची के दाने ही डाल दिए हैं फ्लेवर के लिए। जब ऐसा घी दिखने लगे साइड से तो आपका हलवा तैयार है। और अब मैं बना रही हूँ पराठे। फिर मुझे याद आया कि कल का थोड़ा सा आलू मसाला भी बाकी था, तो मुझे आइडिया है कि चलो लौकी आलू स्टफ पराठा बनाती हूँ। और अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा तो वो भी जाके देखिए। पहले मुझे लगा ये पराठे अच्छे से बनेंगे नहीं, क्योंकि आटा भी थोड़ा सा गीला टाइप का था और ऊपर से इसमें स्टफिंग, बट ये काफ़ी अच्छे बन गए थे और टेस्ट भी बहुत अच्छी थी। और फिर मैंने सादे पराठे भी बनाए, मतलब लौकी के पराठे। ये गैस भी स्लो चल रही थी, इसका फ्लेम पता नहीं इसमें कुछ अटक तो नहीं गया। और ये तवा काफ़ी थिक है, जल्दी गर्म होता ही नहीं है, तो पराठे बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था मुझे। देखिए कितना अच्छा पराठा लग रहा है, क्रिस्पी। और ये लौकी पराठा है, और पहले वाला लौकी स्टफ्ड आलू पराठा। पराठे में मोस्टली गर्म ही सर्व करती हूँ, क्योंकि ठंडे में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। और साथ ही में मैंने रील भी शूट कर ली थी। अगर आपने मेरे रील्स नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, थाली रील्स, टिफिन रील्स। फिर शाम को मैंने मेरे हस्बैंड के लिए चाय बनाई, तो फिर मुझे भी कुछ गर्म पीने का मन हो रहा था, तो मैंने खुद के लिए कॉफ़ी बनाई। ये इंस्टेंट कॉफ़ी है, तो मैंने पहले कॉफ़ी डाली और फिर गर्म दूध डाला है। चाय तो मुझे पसंद नहीं है, और चाय से मुझे एसिडिटी भी हो जाती है। कॉफ़ी मैं कभी कभी पी लेती हूँ, और वो भी मुझे स्ट्रॉन्ग वाली पसंद है कॉफ़ी। फिर मैं कल के लिए राजमा भिगो के रख रही हूँ। तो मैं कॉर्न बॉईल कर रही हूँ। मैं आज बनाने वाली हूँ कॉर्न चाट, और लौकी पराठे का भी आटा थोड़ा सा बाकी है, तो पराठे और कॉर्न चाट में हमारा आज का डिनर हो जाएगा सॉर्ट आउट। तो कॉर्न चाट बनाने के लिए तेल में मैंने डाल दिया है कॉर्न, इसको अच्छे से भून लूँगी। और फिर थोड़ी देर बाद मैं प्याज और शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर मैं सबसे एंड में डालूँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा चंकी सा अच्छा लगता है, नहीं तो वो एकदम गल जाएगा और पानी छोड़ेगा। और ये बाकी वेजेस में मैं ज़्यादा नहीं पका रही हूँ, एकदम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा जस्ट स्टर फ्राई कर रही हूँ। अब मैं प्लेट भी लगा लेती हूँ। मैंने लिया है कॉर्न चाट, पराठा और टमाटर की चटनी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किचन ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा टू कंटिन्यू माई व्लॉग्स। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।